हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं कुछ एक और न्यू एडिटिंग वीडियो ला चुका हूँ। एकदम ही खतरनाक तरीके से आप लोग को एडिटिंग करके दिखाऊंगा। कुछ इस तरह से आप लोग ध्यान से देखिए, बिफोर एंड आफ्टर। अगर आप लोग भी कुछ इस तरह से रिमिनी से अपने फेस और अपने फोटो को एडिट करना चाहते हो कुछ इस तरह से, तो आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करें। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ से अपने फ़ोटो को शेयर करना है रिमिनी ऐप्स के अंदर। तो मैं इसे फटाक से लेके चलता हूँ रिमिनी ऐप्स के अंदर। तो आप लोग रिमिनी ऐप्स में जाने के बाद कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन दिख रहा होगा। उसके बाद आप लोग को दिख रहा है यहाँ से इनहेंस का ऑप्शन। आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग को इनहेंस पे क्लिक करना है। मैं दिखा दिया आप लोग को। इनहेंस पे क्लिक करने के बाद एक ऐड आएगा, उसे वॉच करना है। इतना कुछ करने के बाद आप लोग अपने फ़ोटो का क्वालिटी चेक कर सकते हो। भाई कितना इमेजिंग एडिटिंग हो चुका है, खतरनाक एडिटिंग हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग को रिमिनी से कोई भी नहीं बताएगा एडिट करके। आप लोग ध्यान से देख ही सकते हो कि कितना ही बवाल तरीके से मेरा फ़ोटो एडिट हो चुका है। तो फटाक से आप लोग को इतना करने के बाद आप लोग को यहाँ से अपने फ़ोटो को सेव कर लेना। ऊपर से आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग को यहाँ से इस फ़ोटो को सेव कर लेना है। तो मैं फटाक से इसे सेव करता हूँ। आप लोग देख ही सकते हो फोटो का क्वालिटी कितना ही खतरनाक तरीके से हो चुका है। तो मैं आप लोगों को लास्ट ट्रिक बताता हूँ कि किस तरह से अपने फ़ोटो को एकदम ही HD क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप लोग यहाँ से अपने फ़ोटो को लेके जाना है लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। इस टॉपिक को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं फटाक से लेके चलता हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। सबसे पहले मैं एक तो फ्री सेट बनाया हूँ। इस फ्री सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस तरह से फ्री सेट को लेने के बाद ऊपर दिख रहा होगा 3 डॉट का निशान। 3 डॉट पे क्लिक करके उसके बाद आप लोग को कॉपी सेटिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ से इसे सब वन करने के बाद आप लोग को यहाँ से इसे कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आप लोग को बैक आना। आने के बाद आप लोग को अपने फ़ोटो में चले जाना है कुछ इस तरह से। आप लोग अपने फ़ोटो में आने के बाद फिर से ऊपर आप लोग को 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आप लोग को नीचे देख रहा होगा पेस्ट सेटिंग का ऑप्शन। आप लोग को पेस्ट सेटिंग पे क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह से टाइम लेगा, आप लोग ध्यान से देखिए। तो आप लोग कुछ फ़ोटो का क्वालिटी चेक कर सकते हो, एकदम ही बवाल तरीके से, एकदम ही खतरनाक तरीके से एडिट हो चुका। आप लोग ध्यान से देख ही सकते हो, मैंने जिस तरह से आप लोग को बताया उसी तरीके से आप लोग को एडिट करके दिखाया हो। तो आज के लिए इतना ही भाई, धन्यवाद। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में बताइएगा, हम उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा।